आपका स्वागत है और आपसे गुजारिश है कि अब आप कार्यक्रम शुरू करें। नवसृजन एवं स्टोरी मिरर भारतीय जनभाषा प्रचार समिति के संयुक्त तत्वाधान में हिंदुस्तानी गजल महोत्सव में आप सबका स्वागत करता हूं। जहां तक कि कार्यक्रम की रूपरेखा मैं बता दूं, पहले अतिथियों और शायरों का स्वागत किया जाएगा, उसके बाद मेन कार्यक्रम जो होगा उसके बाद हम शुरू करेंगे। और मैं दरखास्त करता हूं हसीम रसी जी से, कृपया आए मंच पर। इस कार्यक्रम को के बारे में सोचने का जो मन में ख्याल आया था वो इनको देखने के बाद में आया था, और ये आया कि और ये आइए आगे आ जाइए। ये इस तरह से हुआ कि हिंदुस्तानी गजल का ये जो कार्यक्रम है, ऐसे कार्यक्रम हम आए दिनों आयोजित करने वाले हैं और करते रहेंगे। हर 3-4 महीने में आपको शहर के, मुंबई शहर में या गुजरात में, इंदौर में, दिल्ली में या कहीं हिंदुस्तानी गजल का नाम दिखे तो फिर आप समझ जाइएगा कार्यक्रम शुरू हो रहा है। और मकसद साफ है कि एक अदबी माहौल बनाया जाए। हम हास्य के खिलाफ तो नहीं हैं मगर उनके पूरी तरह साथ भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो मुंबई का माहौल हो गजलमय हो, इसलिए हम सिर्फ गजल पर काम कर रहे हैं और गजल का तालिबे इल्म हूं और मैं चाहता हूं कि गजल पे ही काम हो। और यहाँ पे जितने भी शायर आए हुए हैं, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उसमें 50% लोग साहित्य से जुड़े हैं, शायर हैं। तो मैं मतलब ये ऐसा कोई ये नहीं है कि मतलब सब इस चीज़ से अनभिज्ञ हैं और सब इस चीज़ के बारे में जानते हैं। तो हम सबका स्वागत के ये शुरू करते हैं। और मैं चाहूँगा विनय जी से कि सब मैं चाहता हूँ कि हसीम रसी द्वारा सर द्वारा जितने भी शायर आए हुए हैं उनको मोमेंटो दिया जाए, हमारे कार्यक्रम का जो स्मृति चिन्ह है वो दिया जाए। तो मैं सबसे नाम लूँगा, मैं कृपया आप मंच पे आएंगे और अपना मोमेंटो रिसीव करके सामने वाली कतार में फिर से बैठ जाएंगे जी। तो मैं शुरू करता हूँ रवि यादव जी से, कृपया आए। सर आपको थोड़ी सी तकलीफ लेनी पड़ेगी, आपको थोड़ी तकलीफ लेनी पड़ेगी कि सबको मोमेंटो देना पड़ेगा अपने हाथों। किताब 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 का नाम पंद्रह जाना है सर, आपके बिना नहीं होगा। आप देवमणि पांडे जी आइए आइए। नूर एन साहिर भाई आइए आइए आइए। उबेद आदम जी केतन परमार शुक्ल रकीब जी,
सतीश शुक्ल पूजा भाटिया और मैं चाहता हूं अमर जी से कृपया मंच पे आएं और हस्सीमल हस्सी जी का स्वागत करें। मैं चाहता हूं कि उनको शॉल पहना के उनका स्वागत करें। असलम राशिद जिनको मोमेंटो मिला और जिनका स्वागत हुआ वो सारे आज के शायर हैं। सब अपनी अपनी रचनाओं का पाठ करेंगे, गजल पाठ करेंगे। और मैगी असनानी जी जो कि यूएई में रहती हैं, आए दिनों मुंबई आती रहती हैं, इंडिया आती रहती हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कृपया मंच पे आएं और हसीमा लासी जी उनका स्वागत करेंगे। आइए मैगी असनानी। और पूजा भाटिया से कहूँगा कि साथ आके सहयोग करें। और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं राम प्यार सिंह रघुवंशी जी। मैं चाहूंगा कि कृपया मंच पे आएं और उनका स्वागत करेंगे अमर त्रिपाठी जी। धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि देवमणि पांडे जी कृपया मंच पे आएं और आगे का कार्यक्रम उनके सुपुर्द कर रहा हूं। उसके पहले मैं चाहूंगा दो शब्द हसीमल हस्सी जी के से सुनने के लिए कि इस कार्यक्रम के बारे में कुछ कहें जी। ठीक है हसीमल हस्सी जी, आप इस कार्यक्रम के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहें, उसके बाद में सीधा सीधा माइक इनके हाथ जाएगा और पूरा कार्यक्रम हम सुचारू रूप से चलाएंगे। उपस्थित शायर मित्रों, कोई लिखता है या नहीं लिखता है लेकिन सोच समझ के हिसाब से सब यहाँ शायर ही बैठे, मैं ऐसा समझता हूँ। भाई संतोष सिंह जी, केतन कमाल जी और उनकी पूरी टीम ने जो ये गजल महोत्सव जो आयोजन किया है, सच कहूं तो दोस्तों ये मेरा पुराना सपना था।
लेकिन वो इसलिए पूरा नहीं हुआ कि मैंने जिस उम्र में सोचा तब इतनी पोत गजलकारों की बंबई में नहीं थी। और जिस रफ्तार से आज एक एक शायर मेरे सामने आ रहे हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। इस गजल महोत्सव के माध्यम से एक एक शायर आएंगे और निखरेंगे, मैं ऐसी शुभकामनाएं करता हूं। और भाई जिन्होंने ये हिंदी गजल, ये गजल महोत्सव आयोजित किया, उनके लिए ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू। नियोजक संतोष सिंह बहुत अच्छे गजलकार हैं। हस्ती जी खड़े होके दीजिए, इनको जो है सम्मानित करें। हाँ, और ये जो स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है, संतोष जी की ही परिकल्पना है, जिसमें हर शायर की फोटो है और हर शायर का एक शेर है, तो इसलिए अपनी फोटो, अपना शेर वो हमेशा घर में संभाल कर रखेगा।